हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये बीकॉम के लिए चैनल है और बीकॉम के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन हिंदी, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कर रहे हैं वित्तीय लेखांकन। और इसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, बोल सकती हूँ यूनिट फर्स्ट चल रही है, और आज का लेक्चर नंबर 4 है। इस यूनिट के अंदर जो थ्योरी पार्ट है उसका ये आखिरी लेक्चर है। तो इस आखिरी लेक्चर के एंड में, यानी कि इसका आखिरी लेक्चर के आखिर में जो है, एंड में जो है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा आपको जो आपके बहुत काम आएगी आगे के लिए, तो वो एंड में जानेंगे। पहले आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, वो है लेखांकन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाता है, लेकिन एग्जाम में लिखिए कैसे, उसका आंसर है ये। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। लेखांकन संबंधी सिद्धांत भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के समान अटल नहीं हो सकते। साइंस के जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अटल नहीं है। उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो परिस्थितियों के हिसाब से। मूलभूत सत्य के रूप में इसका उपयोग सर्वव्यापी नहीं है। लेखांकन के सिद्धांत पृथक पृथक संदर्भों में पृथक पृथक अर्थ लगाया जा सकता है। लेखांकन सिद्धांतों को लेखांकन से संबंधित व्यवहारों और प्रक्रियाओं से जुड़े हुए नियमों के रूप में परिभाषित किया गया है। पैटर्न और लिलिटन ने इन सिद्धांत के स्थान पर मानक शब्द का उपयोग किया है, यानी कि प्रिंसिपल के स्थान पर स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया है, और यहीं से निकल के आते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपने नाम तो सुना ही होगा, 11th में सुना होगा, 12th में सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लो। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS तो सुना होगा। हाँ जी, तो आइए AS के बारे में हम डिटेल के अंदर समझते हैं। थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री के ऊपर चलें और थोड़ी थ्योरी और पढ़ लें उसके बाद चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ वो समझना। अब जब आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जितने भी व्यापार, जितनी भी कंपनीज, जितने भी बिजनेस है, वो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाते हैं तो उनमें एक रूपता आती है, उनकी तुलना की जा सकती है। बट अगर ये तो एक कंट्री की बात हो गई, जैसे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते थे पहले, अभी नई चीज़ आ गई है बताएंगे अभी आपको, बट पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते थे, तो इंडियन अकाउंटिंग जितनी भी कंपनीज हैं वो AS अप्लाई करती थी, यानी कि AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि लेखांकन मानक, जो कि एक सिद्धांत है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके सिद्धांत है। तो उन सिद्धांतों के आधार पर कंपनियां जो अपने वित्तीय विवरण बनाती थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करती थी और रिपोर्ट बनाती थी। इंडियन कंपनी की रिपोर्ट तो ओके थी, एक ग्रुप थी, तुलनात्मक भी थी, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो सारे अकाउंट, हर कंट्री अपने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने लग जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर इन कंपनियों की तुलना नहीं की जा सकती, इनमें एक रूपता नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सबके सिद्धांत, सबके स्टैंडर्ड अलग हो जाएंगे। और आज के टाइम में जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब जो है, ग्लोबल है, वो एक गाँव है ऐसा बोला गया है, क्योंकि ऑनलाइन चलता है सब मामला। तो वहां पर फिर एक नई चीज आई, वो है IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इसे 115 से अधिक देशों में अप्लाई कर दिया गया है, और अभी इसे इंडिया के अंदर भी अप्लाई किया गया है। वो कैसे किया गया है, कैसे नहीं किया गया है, आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वो रहा ये रहा, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन सिद्धांत है ना। और पैटर्न और लिलिटन ने क्या बोला, पैटर्न और लिलिटन ने बोला कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वही स्टैंडर्ड है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है AS, लेखांकन मानक। हिंदी में क्या बोलेंगे, लेखांकन मानक। अब ये लेखांकन मानक जो है, ये दो तरीके के हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर लगते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, लिख लेना IFRS। क्या पूरा फुल फॉर्म हुआ, आई मतलब इंटरनेशनल, एफ मतलब फाइनेंशियल, आर मतलब रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है। ओके, अच्छा ये IFRS क्या है, स्टैंडर्ड है। देखो
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड को किसने बनाया? इस स्टैंडर्ड को बनाया IASB ने, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो बोर्ड बना हुआ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने बनाया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इस बोर्ड का गठन किसने किया? इस बोर्ड का गठन किया IASC ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनी हुई है, कमिटी ने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, बोर्ड ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया। ओके, ऐसा कैसे इंडिया में भी है? इंडिया में है ICAI, एक बॉडी है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये बनाती है। इसने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस बोर्ड ने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, लेखांकन मानक बनाए, जिसको नाम दिया गया इंडेस। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आपको बताते हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि एक है इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इसको हिंदी में याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वो कामयाब होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी ज़रूरी नहीं है, इनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट ने बनाया एक बोर्ड जिसका नाम है ASB, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस बोर्ड ने बनाए हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1 to 32 थे, 1 से 32 थे। ये पुराने टाइम की बातें चल रही है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहां पर बना हुआ है, वहां एक कमिटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इस स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाए बोर्ड जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड ने बनाए एक तो IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 1 से 41 है, और फिर अभी जो बनाए हैं उसका नाम है IFRS इनकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये 16 बनाए हैं, ये न्यू है एकदम लेटेस्ट। इसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का परिचय दीजिए और इसको इंडिया में कैसे अप्लाई किया गया, किस नाम से किया गया, उसके बारे में बताइए। ओके, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो 115 देशों ने तो अपना लिया, एज इट इज, एज इट इज अपना लिया है ना, 115 से ज़्यादा कंट्रीज ने IFRS अपना लिए। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ही चीज़ फॉलो हो ताकि कंपनियों के जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनियों की जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हैं, है ना, उनके फाइनल अकाउंट्स हैं, उनमें एक रूपता ला जा सके और उनमें तुलना की जा सके और उसके ऊपर रिसर्च की जा सके। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया के अंदर भी यही बात आई, भाई हमको भी तो दुनिया के साथ साथ चलना है ना, इंडियन इंडियन मार्केट को भी दुनिया के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो इंटरनेशनल लेवल की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके साथ आगे बढ़ाना है, तो हमें भी IFRS तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हमने भी इसको, काफ़ी कंट्री ने तो एडोप्ट कर लिया, 115 कंट्री ने, एज इट इज़ हमने एडोप्ट नहीं किया, हमने इसको कन्वर्जेंस किया, यानी कि हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तो नाम चेंज किया इसका हमने, है IFRS ही, बट हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया IND-AS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 16 के 16 पूरे के पूरे। ठीक है, ओके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए इसके अंदर, कुछ कार आउट्स किए, कुछ कार इन्स किए, यानी कि कुछ चीजें प्रिंसिपल कुछ हटाए और कुछ नया उसके अंदर कॉन्सेप्ट डाला। बहुत ज्यादा चेंज नहीं, लेकिन छोटे मोटे कुछ चेंजेस किए हमने हमारे यहाँ के जो कल्चर है और हमारे यहाँ का जो इंडिया के जो संस्कृति है या जो बिजनेस का मार्केट का लेवल है, उस लेवल पर हमने थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस किए। उसमें कार आउट और कार इन बोलते हैं उसको, और कुछ चेंज इन टर्मिनोलॉजी के अंदर चेंजेस किए। अब ये क्या हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS कितने हैं, देखो IAS 41, तो IAS की जगह हमने बना दिए IND-AS 1, IAS 2 की जगह हो गया IND-AS 2, IAS 3 की जगह हो गया IND-AS 3, ऐसे IAS 4, IAS 5, IAS 6, 7, 8, 9, 10 उनकी जगह IND-AS होते गए आगे, और लास्ट में IAS 41 की जगह IND-AS 41 हो गया। तो IAS थे कितने, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे 41। वो 41 के 41 सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे ही है, बस नाम उनका लिख दिया हमने IND-AS। उसके बाद जो IFRS आए 1, वो
उस IFRS 1 को हमने नाम दिया IND AS 101। तो IFRS जो 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 16 है। IFRS टोटल कितने बेटा, 16 है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इंडिया में वो IND AS है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट है, 101, 102, 103, 104, मतलब 100 के बाद 16। वो तो IND AS जो 101 से लगाकर IND AS 1116 है, वो सारे IND AS जो है वही क्या है, वही IFRS है जिसको हमने इंडिया के अंदर अप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर आप चले 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 कहां चले कहां चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कौन कौन से, आइए इनके नाम बता दूं मैं आपको। तो वो ये रहे, यहां से स्टार्ट है, ये देखो। जैसे अब 101 है ना, अब ये IND AS 101 है, तो IND AS 101 आप समझ गए इसका मतलब ये क्या है, ये IFRS 1 है और ये IFRS 2 है, ये IFRS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये आगे 16। तो ये 16, 116, 115, ये 1 से 16, ये IND AS जो है ये IFRS ही है। थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे चेंज हुआ है और हमने इनको लिख दिया। आप इनके नाम याद कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ओके। आगे फिर वन हो जाता है IND AS 1। अब IND AS 1 कौन सा है, जो IAS 1 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 था वो IND AS 1 है। और वो आगे कितने तक है वो आपको पता है, कितने टोटल 41। तो वो ये रहे IND AS 41, कितने 41, लास्ट वाला एग्रीकल्चरल के ऊपर है, ओके। तो ये सारे नाम आप याद कर सकते हैं। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर 25 या 24 कुछ, अब वो 38 हो गया है। तो अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ काम के नहीं है, उसकी जगह आगे है IND AS, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे अगर चले और बात करें यहां पर, तो किस कंपनी में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए हैं। तो देखो, नॉर्मल कंपनीज की बात करें तो फेज वन और फेज टू के अंदर इसमें अप्लाई किया गया। फेज वन के अंदर ऐसी, फेज वन 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2016 वॉलेंट्री था, 16 में मैंडेटरी कर लिया, 15 तक वॉलेंट्री था और मैंडेटरी किया गया उन कंपनीज के लिए जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और उसकी जो भी पेरेंट हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, वो शामिल होगी। फेज टू 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी किया गया, इसमें सारी लिस्टेड कंपनी को ले लिया जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है उन कंपनीज की बात कर रहे हैं। और अदर अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्क 250 करोड़ से ज़्यादा हो, इसमें पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी शामिल है। और उसके बाद NBFC की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, तो फेज वन 1 अप्रैल 2018 से मैंडेटरी किया गया उनके लिए जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है। फेज सेकंड 1 अप्रैल 2019 से मैंडेटरी किया गया ऐसी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड तो सारी, अनलिस्टेड वो जिनकी नेटवर्थ शुद्ध संपत्तियां 250 करोड़ से ज्यादा है, इसमें पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर शामिल है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो स्टिल डेफर्ड, एक बार अप्लाई करने की कोशिश करी थी लेकिन इसको हटा दिया गया है। अभी ओनली RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक के लिए मैंडेटरी किया गया है और उसको भी बाद में ऑल स्टैंडर्ड बैंक जो है उनके लिए स्टिल डेफर्ड, मतलब अभी इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है सारी कंपनी के लिए 1 अप्रैल 2021, जो आगे जाके 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, तो उसमें इनको IND AS फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं हम सबसे एंड में और कुछ आपको चीज़ें बताते हैं। मैंने बोला था लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, है ना, यूनिट फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, यूनिट फर्स्ट है ना, उसमें जो थ्योरी पार्ट था आप उसको प्रैक्टिकल समझ सकती हो, प्रैक्टिकल जरूरी है, उसके बिना आगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। तो ये मैंने क्या किया, यूनिट फर्स्ट को इन इंग्लिश भी करा दिया, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसको मैंने करा दिया है ना, अपलोडेड है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इन हिंदी में भी करा दिया, क्योंकि थ्योरी पार्ट दोनों में बीकॉम के अंदर अलग कराना होता है। अब आगे प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें ना, तो दोनों में कॉमन है। अब उसमें अकाउंट है बेटा, कोई हम बिजनेस स्टडी तो पढ़ नहीं रहे, व्यवसाय अध्ययन जो हिंदी में अलग कराओ, इंग्लिश में अलग कराओ, तो अब आगे के जितने भी टॉपिक है ना वो कॉमन है, ये याद रखना, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के काम आएंगे, ये याद रखना, ओके।
दोनों के काम आएंगे, वो किसी एक के लिए नहीं है वो। तो आगे अब जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के काम आएंगे, ओके? क्योंकि अकाउंटेंसी आप समझते ही होता, ठीक है? और मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा इस हिसाब से कि दोनों को समझ आ जाए, ओके? ठीक। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है कि ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, मैंने बताया ना, कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगला पॉइंट ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है बीकॉम के लिए, बीकॉम के लिए टेलीग्राम चैनल है ना, उसका नाम है CWG फॉर बीकॉम। ये चैनल जाके आप ज्वाइन कर लो, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम। वहां पर आपको PDF, एग्जाम टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लाइव क्लासेस आती है। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस नहीं आती है, ओनली रिकॉर्डिंग आती है, ऐप पे लाइव क्लासेस आती है। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। ऐप प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा, कॉमर्स वाले गुरुजी। वहां पर पेड कोर्सेस हैं, मतलब फ्री नहीं है वहां पर, मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ। बट ये गारंटी है कि हम जो कोर्सेज पे के ऊपर जो हमने प्राइस लग रखी है ना, वो 2,500 से 5,000 रुपए के, सॉरी 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में है। 3,000 जाने नहीं दिया मैंने, इतनी है, कोई नहीं कराएगा। ऑनलाइन जाके चेक कर लेना, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लोग फीस लेते हैं इन्हीं सब्जेक्ट की, ठीक है? तो थोड़ा सारे बच्चों को एजुकेशन मिल सके जो अभी एनवायरनमेंट उस हिसाब से है ना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा फीस इसमें कम किया है। इसके अलावा पॉइंट अगर आपको बताएं तो ये ऐप का हो गया, टेलीग्राम चैनल का हो गया, और आपको ये समझ में आ गया होगा आगे जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन लेक्चर्स आएंगे, ओके? और रिकॉर्डेड आएंगे, यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे, लाइव सारे के सारे ऐप पे आएंगे, ओके? और इसके अलावा अभी अगर बात करें तो 2 जनवरी तक, अप टू 2nd January 2022 तक, यानी कि न्यू, तो इसमें ऑफर चल रहे हैं दो। एक तो ऑफर चल रहा है कि 500 रुपी ऑफ है, ठीक, और एक ऑफर चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, उसका नाम ही है न्यू ईयर, न्यू ईयर। इसमें 100 रुपीज ऑफ फ्लैट मिल जाएगा आपको ऑफ, ठीक है? न्यू ईयर उसका कूपन कोड है। तो आप ऐप डाउनलोड करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।